सो हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएम अपना फोटो को कैसे एडिट करता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा क्लियरिटी, इतना मतलब अच्छा लगता है। फ्रेंड्स तो आप भी चाहते हैं इनकी तरह एडिट करने के लिए, फ्रेंड्स तो वीडियो को लास्ट तक आपको लास्ट तक देखना होगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से अपनी मैं फोटो को पहले शेयर कर लेता हूँ स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो स्नैपसीड एप्लीकेशन आपके फ़ोन में नहीं है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ से टूल्स पे क्लिक करके यहाँ पर टून इमेज में इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर एनिमेशन है आपको फुल कर देना है फ्रेंड्स। और ये हाईलाइट है, हाईलाइट को तो कम ही रखना है, शेडो कलर का मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से डन कर देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं थोड़ा सा एडिट करने पर हमारी थोड़ा थोड़ा फोटो बन चुकी है। यहाँ से फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्टिव टूल, इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर मतलब हमारी यहाँ पर ब्राइटनेस कम है तो मैं यहाँ पर ब्राइटनेस डाल लूँगा फ्रेंड्स। ये ब्राइटनेस बढ़ाना है और सेचुरेशन बढ़ाना है, ये सब तो आप तो जानते हैं, तो मैं यहाँ से नहीं जल्दी से कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स। अब क्या करना है, मैं थोड़ा सा अब शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन। लाइटरूम एप्लीकेशन आपके फोन में नहीं है तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स लाइटरूम एप्लीकेशन माने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर मतलब सबसे मेन मतलब सेंटर रहता है फ्रेंड्स, आपके यहाँ से ही क्लियरिटी बढ़ती है और फोटो की क्वालिटी बढ़ती है। तो मैं सबसे पहले मतलब जैसे मैं बताऊँ वैसा ही आपको कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऑटो वाले टूल पे क्लिक कर देना है, लाइट तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, ये जानते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इधर आना है, डिटेल्स पे आना फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसी सरफेसिंग को बढ़ाना है और नॉइज रिजोल्यूशन को बढ़ाना है, ये तो जानते हैं आपकी फेस स्मूथ होगी। और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है और यहाँ पर आना है नॉइज कलर रिजोल्यूशन, और यहाँ से डिटेल्स को जिसको आपको फुल कर देना है। ऐसे अब फिर से आना इफेक्ट वाले टूल पर, इसकी टेक्चर को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं ठीक फ्रेंड्स। अब आना है यहाँ पर कलर वाले टूल पर, इसकी हम वाइब्रेशन को और बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स। अब आना है यहाँ पर मिक्स टूल पर, ये मेरी शर्ट की कलर है अपने हिसाब से देख सकते हैं। आ रहे हैं अब बात आती है मतलब फेस की, इसकी फेस देखते हैं आप, बहुत मतलब क्या बताऊँ कितना गोरा आपको लगता है, देखते ही आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं। आपको यहाँ से लाइट बढ़ाना है चेहरा में, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर लाइट आती है, लाइट आपको जितना फुल करेंगे उतनी इसमें मतलब ऐसे बढ़ाएंगे तो लाइट आपकी मतलब चेहरा गोरा होगा, ऐसे कम करेंगे तो देख ही रहे हैं आप। तो मैं फ्रेंड्स इतना तक रहता हूँ, इसकी सिचुएशन को मैं कम करता हूँ, सिचुएशन भी आपको थोड़ा सा कम करना होगा। फिर फ्रेंड आप बैकग्राउंड देखते हैं तो बैकग्राउंड ज़्यादा ज़्यादा आप वाइट देखते हैं, तो वाइट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर येलो वाले पे क्लिक करना है, इसकी सेचुरेशन को कम और लाइट को फुल कर देना है। और देख रहे हैं ग्रीन बैकग्राउंड, तो इसकी भी ग्रीन को सेचुरेशन कम कर देंगे और लाइट को बढ़ा देंगे फ्रेंड्स। और ये आती है इसकी भी सेचुरेशन कम और लाइट को बढ़ा देंगे, इसके भी सेम ही फ्रेंड्स ऐसे ही आपको कर देना है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इनकी फेस देखते हैं कितना स्मूथ रहता है। तो फ्रेंड्स फेस स्मूथ करने के लिए यहाँ पर शेयर कर देना है ऑटो डिस्क स्क्रीन पर, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करना कि आपके फ़ोन में तो होगा ही होगा। उसके बाद फ्रेंड्स फेस स्मूथ करते हैं वो, तो आप फेस स्मूथ नहीं करना चाहते तो हमारे यूट्यूब पर मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से फेस स्मूथ करना सीख जाएंगे तो अच्छी तरह से सीख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ से फेस स्मूथ करता हूँ ऐसे ऐसे, मतलब ये सब सेटिंग तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो वीडियो आपको बोला है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ से फेस स्मूथ कर लेता हूँ फ्रेंड्स जल्दी से, मतलब कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे मतलब स्मूथ देखते हैं कि कितना मतलब अच्छा लगता है फ्रेंड्स। स्मूथ करने के बाद आपको मैं फोटो को दिखाता हूँ कितना अच्छा लगता है। फेस स्मूथ होने के बाद फ्रेंड्स इनकी देखते हैं मतलब आंखों में लेंस लगा होता है, तो लेंस कैसे लगता लगता है मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको क्लिक करना है,
यहाँ पर शेयर कर लेना है, यहाँ पर आ जाएगी अदर अदर अदर्स पे आपको क्लिक कर लेना है और इसे शेयर कर लेना है पिक्सार्ट एप्लीकेशन। पिक्सार्ट एप्लीकेशन के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पिक्सार्ट में शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में आई का लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अपने फाइल में से आई ले लेता हूँ फ्रेंड्स। तो इस ऐड कर लेना फ्रेंड्स और यहाँ से आ जाना है, मतलब अपनी आंखों पे से लगाकर फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, मतलब हटा लेता हूँ फ्रेंड्स, ये इसे मैं ऐसे मिटा लेता हूँ फ्रेंड्स। और क्या करता हूँ यहाँ से फिर से डन कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करना है, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ फ्रेंड्स। और इस वाले लेंस पे आपको ऐसे अच्छे से बैठा कर यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट मैं मिटा लेता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी फोटो मतलब कैसे एडिट हुई है। ये मैं अब इसे सेव करने के लिए यहाँ से ड्रॉ टूल में आकर यहाँ से आप जानते ही हैं, यहाँ से आप शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो